हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पीके सिंह रोहसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट रेलकम रोड और अप्रोच बैटर पर एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हम सनोल स्टेशन पर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो आपको सनोल स्टेशन पर एक नई अपडेट के साथ है। जैसा कि आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि सनोल स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म 3 और 4 है, उस पर हम लोग का काउंटरपोर्ट फिक्सिंग का काम चल रहा था और एक PCC हमारी जो बैलेंस बची हुई थी उसकी सटरिंग का काम चल रहा था। ये देख सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म PCC कंप्लीट हो चुकी है और इसकी क्यूरिंग के लिए देखिए पॉन्ड बनाकर यहाँ पे क्यूरिंग की जा रही है। और एक नई अपडेट इसके साथ ये भी है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सॉइल फिलिंग का वर्क स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं काउंटरपोर्ट फिक्सिंग हुई है हमारी और देख सकते हैं सामने जो है कि लेबलिंग करके अब एरिया को और सैंडी सॉइल जो है कि फिलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये 200 की लेयर में मिट्टी फिलिंग की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद इसकी कॉम्पेक्शन होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर अप्रूव होगी और ये कम से कम 6 या 7 लेयर में ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट होगा मिट्टी भर के। ये सामने देख रहे हैं आप वाइब्रो रोलर जो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने का वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं आप सामने काउंटरपोर्ट में ब्रिक बेड फिलिंग की गई है। कुछ इधर के पोर्शन बाकी हैं जिनमें काम भी चल रहा है पैरेलली। ये मिट्टी का वर्क कल शाम से स्टार्ट हुआ है, लेबलिंग की गई थी, आज से डंपिंग स्टार्ट हुई है और स्प्रेडिंग, रोलिंग और कॉम्पेक्शन का वर्क चल रहा है। तो चलिए नहीं चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कहाँ पे एरिया लेबलिंग हो रही है और कहाँ पे सॉइल हमारे डंप हो रही है और कैसे डंप की जा रही है और स्प्रेडिंग कैसे की जा रही है, इसकी कुछ डिटेल दे देते हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 है। ये हम बीच में चल रहे हैं यहाँ पे पैनल के प्लेटफॉर्म के। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमारे लेफ्ट साइड में है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 और राइट साइड में हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पड़ेगा। ये सामने देख रहे हैं वर्कमैन है जो हमारे काउंटरपोर्ट फिक्सिंग का वर्क कर रहे हैं। ये आज नई टीम आई हुई है, एक दो दो टीम अब काम करेंगी काउंटरपोर्ट का। ये देख सकते हैं आप जो बैलेंस एरिया है, अभी क्लीनिंग का वर्क चल रहा है इधर का और ये जो ब्रिक देख रहे हैं आप स्टॉक की गई थी वो ब्रिक शिफ्ट किया जा रहा है और काउंटरपोर्ट फिक्स करके ब्रिक बेड को अंदर भर दिया जाएगा। और ये सामने देख रहे हैं जो घास उगी हुई है, डस्ट टाइप का जो भी चीज़ है यहाँ पे, मिट्टी के बेड बनाने से पहले ये सब रिमूव कर दिया जाएगा ग्रेडर से। उसके बाद मिट्टी को नॉर्मल पास मारा जाएगा वाइब्रो रोलर से, उसके बाद फिर ये मिट्टी डंप हो रही है। बीच में देख सकते हैं आप यहाँ पर मिट्टी डंप चालू हो चुकी है। आगे बढ़ाते हुए डंपर देखे जा रहा है मिट्टी को। ये सामने देख रहे हैं आप साइड में पड़ी हुई ईंट और ये डस्ट जो है ये उठाने का वर्क चल रहा है पीछे। ये भी मिट्टी स्प्रेड करने से पहले उठा लिया जाएगा, जो ब्रिक है हमारे काम में आ जाएगी। ये देख रहे हैं डिपर, ये 18 क्यूबिक मीटर पर डंपर में मिट्टी ले आता है हमारा। सॉइल कॉम्पैक्टेड मिट्टी जो हमारे 18 क्यूबिक मीटर करीब ले आता है। लूज सॉइल अगर ले आते हैं तो क्वांटिटी देखिए तो 20 क्यूबिक मीटर ले आता है। कॉम्पैक्ट होने के बाद ये 18 या 16 क्यूबिक मीटर पकड़ता है। ये हमारा फ्रंट साइड प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारा ये जो ट्रैक जो है हमारा, यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से मिट्टी डंप चल रही है। यहाँ से आपको बैक का नज़ारा दिखा दें, ये देखिए तो चलिए चलते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के पास। क्रॉस करते हुए हम आएंगे अभी 1 और 2 पे। ये फ्रंट है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 का। अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे। सेम जैसा वर्क यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे देख रहे हैं, सेम वैसा वर्क प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे भी होना है। वहाँ भी काउंटरपोर्ट फिक्स होंगे, कोपिंग बीम फिक्सिंग होगी और ये ड्रेन यही देख रहे हैं सामने, प्लास्टरिंग बाकी है ये ड्रेन की अभी। तो बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको नेक्स्ट अभी यहाँ पर टर्न लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जो बीच के एरिया देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म 1 और 2 है। तो यहाँ पे भी काउंटरपोर्ट फिक्सिंग होगा, कोप फिक्सिंग होगी, उसके बाद बीच में मिट्टी भरी जाएगी, उसके बाद ऊपर कोप फिक्सिंग के बाद फिर PCC करके प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। हम आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट तुरंत YouTube के माध्यम से वीडियो से आपको यहाँ पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे पीके सिंह रोहसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।